प्रधानमंत्री मोदी देश के टॉप ऑनलाइन गेमर से मिले, इसका वीडियो भी जारी किया गया। पीएम आवास में हुई इस बातचीत में ऑनलाइन गेमिंग की चुनौतियों पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेमर से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की, इसका वीडियो भी जारी किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर से उनके बारे में बातचीत, काफी रोचक और मजेदार रही। थोड़ी छांक लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं बुजकच गुजरात से हूँ और मैं 2014 से हार्स्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई अभी तो। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगवार से गेमिंग इंडस्ट्री पर चर्चा की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है, ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप की ये था कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं, हमें पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। बहुत बार न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिया है, वो चीज बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा। आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मे बी सब लोग उस उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखें। पीएम मोदी ने गेमर से ऑनलाइन गेमिंग में आ रही चुनौतियों पर भी बात की और आश्वासन भी दिया। की दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज आपको लगती है यार, आपको कुछ मन में प्रश्न है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। घरों में देखा जा सकता है कि कई बच्चे गेम खेलने के शौकीन होते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इस पर भी बातचीत की। अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हो। वो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो ये तो ठीक है, हम कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए? बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करे, तो हम लोग सर मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है तो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग स्पोर्ट्स मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है, जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो और कॉन्टेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोज बना रहे हैं, उसमें चार दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, तीन स्टेज, एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाला खिलाड़ी है, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह करके के बाद में छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना। कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या? तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया की
इंडिया के अराउंड गेम्स बनाने प्रमोट कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें, और जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो यही आती है। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे थे तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफी गेम्स डेवलप हो रहे। गेमर्स ने जब बताया कि वह गेमिंग के दौरान कुछ शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएम ने भी अपना मंत्र बताया, साथ ही एक शब्द पर चुटकी लेते हुए दिखे।